तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 10 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 11वां चैप्टर है, कार तथा ऊर्जा। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग कक्षा 8वीं 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स कवर कर चुके हैं, विज्ञान को छोड़कर। एक कवर हो जाएगी तो कक्षा 9वीं तक की सभी, जो आपके लिए स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस के लिए जरूरी है, वो सभी कवर हुई हैं। उसके बाद 10 और 11 और 12 की बचती हैं, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे। और याद रखिए, इसका अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोई दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है। समय रहते हुए आप अच्छे से पढ़ लें इसे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो चलिए अध्याय 11 देखते हैं हम लोग। पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इस अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक यहां बात बता दूं आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप अगर 1 से 2 बार इसको बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इतने अगर सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जान चुके होंगे। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए और निकल जाइए इसे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक जो आती है उन्हें पढ़ते रहिए आप लोग, उन पर अपना पूरा दिमाग लगाते रहिए, बस इसे एक बेस बन जाएगा। इससे सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों क्रियाकलापों को हम जैव विक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विक्रम कहते हैं। इन विक्रम के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, उदाहरण के लिए बेकून या फिर दौड़ सकते हैं। उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने तथा खेत जोतने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे बैल। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों के बारे में सोचिए, उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका प्रयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कुछ ईंधनों को पेट्रोल, इंजनों को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। सजीव तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य आपका आखिर क्या है? कार्य क्या है? हमने अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग किया है, कार्य और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरण विचार करते हैं। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तक पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है और अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श भी करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम करती है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। क्या है? बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है। आप पूर्णतः थक नहीं चुके होते हैं और आपने चट्टानों पर कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि चट्टानों में कोई विस्थापन नहीं हुआ है। यानी क्या उसका कोई रिजल्ट निकले, एक तरह से उसे ही कार्य कहा जा सकता है। जिसमें कोई रिजल्ट ना निकले वो कार्य के ना के बराबर। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया तथा आपने बहुत सी ऊर्जा भी व्यय की इसमें। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों
पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इस क्रियाकलाप में बहुत सा कार्य निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या फिर मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। क्रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना, को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है। क्या कार्य नहीं समझा जाता है? कार्य होता क्या है आखिर? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं। याद रखिए, जो भी क्रियाकलाप होंगे आपके, उन्हें पढ़ना है, आपको निकल जाना है, आपको उन क्रियाकलापों को करते नहीं बैठना है। इस बात को हमेशा याद रखिए। क्रियाकलाप 11.1। उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी वस्तु पर कार्य किया गया, वस्तु पर क्या घटित हो गया हो रहा है, कार्य कौन कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी परिभाषा अपने हिसाब से कार्य की अलग है और विज्ञान की परिभाषा अलग है कार्य की। ठीक है, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना की अगर हम बात करें तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया है। इस स्थिति में कार्य हुआ है। क्या हुआ है? स्थिति में कार्य हुआ है। एक सीधा सा मतलब है कि जिस उद्देश्य से आप लोग उस काम को कर रहे हैं, अगर वो पूरा होता है तब तो कार्य बोलेंगे। अब आप दीवार को धकेलना चाह रहे हैं, वो धकल ही नहीं रही है, वो स्थायी अपनी, तो इसे कार्य कैसे कह सकते हैं? आपके लिए आपकी ऊर्जा व्यय हुई है इसमें, लेकिन एक कार थोड़ी है। एक लकड़ी लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लकड़ी ने ट्रॉली पर बल लगाया या विस्थापित हुई, इसलिए एक कार है। क्या है? इसलिए एक कार है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है। पुस्तक पर एक बल लगाया गया है तथा पुस्तक गतिमान हुई है, इसलिए कार्य किया गया है। उपयुक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, अगर आपको कार्य को निर्धारित करना है तो दो ही दशाओं को होना चाहिए। इसमें वस्तुओं को कोई बल लगना चाहिए और दूसरा है वस्तु विस्थापित होना चाहिए, अपनी यथास्थिति से हटना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया है। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। इन दो पॉइंट पर आपकी पूरी परिभाषा टिकी हुई है। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली। आपके विचार में स्थिति पर कार्य हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्रियाकलाप 11.2। अपने दैनिक जीवन में कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिसमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बना सकते हैं। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि आप प्रत्येक स्थिति में छोड़िए ना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, मैं कुछ नहीं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप क्रियाकलाप करते बैठ जाएंगे इसी में बहुत टाइम निकल जाएगा। आपको क्रियाकलाप करते हुए मतलब प्रैक्टिकल कहते हुए नहीं बैठना है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब विस्थापन बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल एफ कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में एस दूरी विस्थापित हुई है। मान लीजिए कि डब्ल्यू किया गया कार्य है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहां देख रहे हैं, किया गया कार्य बल और विस्थापन, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि आप किसी पर फोर्स यानी कि बल लगा रहे हैं और वो वस्तु विस्थापन हो रहा है, उसका एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही है। या आप देखिए, ये आपकी कोई किताब रख लीजिए या कोई भी, इस पर आप बल लगा रहे हैं, विस्थापित हो रही ना, यही बल है। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती इसमें। यदि F बराबर 1N तथा S बराबर 1
मीटर हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 Nm Nm होगा, या बल का मात्रक न्यूटन मीटर है या फिर जूल। अतः 1J यानी कि 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब एक न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। समीकरण 11.1 को ध्यानपूर्वक देखिए, इसे यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य शून्य के लिए होता है। आपसे यहां देख सकते हैं, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। कितनी? 2 मीटर। या विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य होगा 5 न्यूटन, 5 N मतलब 5 न्यूटन प्लस इंटू 2 मीटर बराबर 10 Nm या फिर 10 जूल होगा। ये निकल आया आपको। एक अन्य स्थिति पर विचार करिए जिसमें बल तथा विस्थापन एक दिशा में है। एक बच्चा किसी खिलौना कार्य को चित्र 11.14 की इस तरह से 14 में दर्शाए हुए अनुसार धरती के समानांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार्य के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। इस स्थिति में किया गया कार्य बल एवं विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। कैसा माना जाएगा? धनात्मक। अब एक स्थिति ऐसी एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है, उस पर विपरीत दिशा के में एक अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है। दोनों दिशाओं के बीच 180 का डिग्री का कोण बन रहा है। माना कि वस्तु S दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू कोष्टक बन माइनस S यानी कि यह आपका किया गया कार्य है ऋणात्मक में, दूरी S तय की है उसने। ठीक, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या है? जब आपका बल है जो विस्थापन की दिशा के विपरीत लगेगा तो यह कार्य ऋणात्मक है, और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो यह धनात्मक होता है कार्य। उपयुक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप देख लेते हैं। किसी वस्तु को ऊपर उठाइए। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया है। वस्तु ऊपर की ओर चलती है। आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापित की दिशा में और तथा वस्तु की पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है, कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है बताना है आपको। सीधा सा मतलब है, यहां भी आप वही लगाइए कि अगर हम लोग बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर और ये विस्थापन की दिशा के विपरीत है तो ये क्या माना जाएगा? ऋणात्मक। और अगर विस्थापन की दिशा की दिशा में लगता है तो ये क्या माना जाएगा? धनात्मक। एक कुली 15 किलोमीटर का बोझ धरती है, किलोग्राम का सॉरी, बोझ धरती से 1.5 ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन क्या होगा? बोझ का द्रव्यमान क्या है? 15 किलोग्राम। विस्थापन कितना है? 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। किया गया कार्य किस तरह से निकलेगा? W बराबर F इंटू S यानी कि F आपका क्या हो गया यहाँ बल, और S दूरी mg इंटू S। यहाँ आप इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से आपका 225 आ जाएगा। कुली द्वारा बोझ पर किया गया कार्य कितना होगा? 225 जूल या न्यूटन पर। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा से के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोत के बारे में सोच सकते हैं? क्रियाकलाप 11.5। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिखाया गया है। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, इनकी सूची बना सकते हैं।
छोटे समूहों में विचार विमर्श किए ये कि किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं। क्या ऊर्जा के कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं है, जैसे आप ले सकते हैं इसमें पवन ऊर्जा, ठीक है, ये भी इसी तरह के जोड़ सकते हैं। ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ होता है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जगदीप बेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेट से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरता है। इस प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई पर उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौने जैसे कि खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा होगा, और जब भी यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी जा सकता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जा सकता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का अर्थात जूल। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। एक किलो जूल 1000 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा के रूप, सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाशीय सम्मिलित होती है ऊर्जा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह से आप गाड़ी में जो खिलौने वाली गाड़ी आती है उसमें चाबी भरते हैं ना, तो आप उसे ऊर्जा दे रहे हैं, उसके बाद वो अपनी ऊर्जा पर काम करती रहती है, चलती रहती है। इसे सोचिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता ऊर्जा का रूप है? अपने मित्रों अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। अब चलते हैं हम लोग जेम्स प्रेस्कोट जूल का एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक थे। कौन से? जेम्स प्रेस्कोट जूल। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारकों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाए हैं। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित भी किया है तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की है। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया था। किनके? इन्हीं के सम्मान में रखा गया था। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा। क्रियाकलाप 11.6। एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत क्याही पर गिराइए। गीली रेत की सतह पर अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गड्ढा बना देती है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराकर दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त स्पष्ट दिखाई दें। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाएं। उनकी गहराई की तुलना करें। इनमें से कौन सी गर्त सबसे गहरी है? कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उतला है? ऐसा क्यों? गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया? विचार विमर्श कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्हें केवल पढ़िए, दिमाग ज्यादा मत खपाइए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल अगर कर रहे होते तो शायद आपको बेहतर समझ में आने वाला था।
बस हमारे पास ऑप्शन यही है कि इसे अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए, जो भी समझ में आ रहा है बस दिमाग नहीं खपाइए। क्रियाकलाप 17.11.7 को देखिए, चित्र 11.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए, एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को, इस तरह से बात की जा रही है, गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए, पल्ले पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिसमें ट्रॉली गतिमान हो जाए, ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है, मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए, गुटका विस्थापित हो जाता है, गुटके के विस्थापन को मापिए, इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया, यह ऊर्जा कहाँ से आई, पल्ले पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराएं, किस अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा, इस क्रिया में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है अतः इसे ऊर्जा विद्यमान है। इसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दिया करिएगा, क्रियाकलाप के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वहां ध्यान दिया करिएगा। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, एक तेज चलती वस्तु अपनी सादृश्य अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है, एक गतिशील गोल बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं, गोली लक्ष्य को भेद के कैसे भेद पाती है, बहती हुई हवा पवन चक्कियों की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है, आपने देखा होगा इससे भी विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है, गतिशील वस्तुओं की में ऊर्जा होती है, गिरता हुआ नारियल गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। सापेक्ष में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, संचय में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, किसके, चाल के साथ, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है, परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। आइए अब किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, मान लीजिए m यानी कि मीटर द्रव्यमान की एक m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, अब मान लीजिए कि अब इस पर एक नियत बल f विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी विस्थापित हो जाती है। समीकरण 11.1 से किया गया कार W F S के बराबर है, यहाँ आपका S W कार हो गया, F बल हो गया, S दूरी हो गया, वस्तु पर किए गए कार के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा, मान लीजिए कि इसका वेग U से भी हो जाता है, मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान A है। अनुभाग 8.5 में हमने गति के तीन समीकरणों के बारे में अध्ययन किया था, एक समान त्वरण A से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग U और अंतिम वेग भी और विस्थापन s के बीच निम्न संबंध है, u v बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, यहाँ s जैसे ही दूरी निकालेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अनुभाग 9.4 से हम ज्ञात करते हैं f बराबर ma, इस प्रकार समीकरण 11.2 और को समीकरण 11.1 में रखने पर हम बल f द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ आपका एम ए एस का मान रख दिया है, ठीक है, अथवा यहाँ ए से ए हटा देंगे, 1/2 एम कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है तो यू बराबर 0 या वेग 0 रहेगा, इस तरह से यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यदि यू बराबर 0 हो किया गया कार्य होगा 1/2 एम बी स्क्वायर, अतः एम द्रव्यमान की तथा एक समान वेग भी से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान e के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर होगा। ये आपका एक उदाहरण है, इसे देख लीजिए, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है 15 किलोग्राम, वस्तु का वेग क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड, और समीकरण आप इसे देख रहे हैं, यहां से ये आपका सूत्र है गतिज ऊर्जा निकालने का 1/2 एम बी स्क्वायर, यहाँ आप लोग 1/2 एम का मान रखेंगे 15 और बीस का मान रखेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड, इसे आप लोग 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, दो बार लिखेंगे, इस तरह से 120 जूल निकल आएगी गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसे भी देख लेना आप लोग।
पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। अब चलते हैं स्थितिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में जान चुके हैं, स्थितिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप 11.8, इन्हें अच्छे से पढ़िए ध्यान से। बस एक रबड़ बैंड यानी कि रबड़ का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खींच जाता है, छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है? छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली। खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है? क्रियाकलाप 11.9, यह सिलंकी लीजिए। निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए। आप दूसरे सिरे को पकड़िए, अपने मित्र से दूर चले जाइए। अब आप सिलंकी को छोड़ दीजिए, क्या होता है? खींचने पर सिलंकी में किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित होती है? क्या संपीड़ित करने पर सिलंकी ऊर्जा उस उपार्जित कर करेगी? क्रियाकलाप 11.2, 11.10, एक खिलौना कार लीजिए, इसमें चाबी भरिए, कार को जमीन पर रखिए, क्या ये चलती है? यही आपकी स्थितिक ऊर्जा है। इसमें ऊर्जा कहाँ से उपार्जित है? क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरी गई लपेटनों की संख्या पर निर्भर करती है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? एक बात आपसे बोल चुका हूँ कि आप जब किसी को ऊर्जा देते हैं तो कुछ टाइम तक वो उसकी जो आप ऊर्जा देते हैं उसके जरिए कार्य करता रहता है। ये जो खिलौने की कार होती है, यही बात है इसमें। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए, वस्तु पर आप कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसमें कुछ ऊर्जा उपार्जित कर दी है। अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है, इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई है? सोचिए और विचार विमर्श कर सकते हैं। अब यहां से आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए, बोरिंग तो लगता है विज्ञान, अगर आप लोग प्रैक्टिकल करके पढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। आप अगर ऐसे ही पढ़ते हैं तो बोरिंग तो लगती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। उपयुक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि वह वस्तु की चाल या प्रवेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौने कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। आपसे बोल चुका हूं ना कि जब कहते हैं कि आप अगर कार्य कर रहे हैं, आप जिस पर बल लगाएंगे, आप बल लगाएंगे तो आपके अंदर की ऊर्जा खत्म होगी, कमी आएगी, जिस पर बल लगाएंगे उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यही काम होता है कि आप खिलौने वाली कार में चाबी भर रहे हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा तो खत्म हो रही है लेकिन उसकी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसी के कारण वो चलती रहती है। क्रियाकलाप 11.12, बांस की एक खपच्ची लीजिए, इससे चित्र 11.6 में दिखाए अनुसार एक धनुष बनाइए। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए, तीर का एक सिरा धनुष को किताने डोरी पर रखिए। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए, तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिक ऊर्जा तीर को गतिर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरता है। धनुष की तनिक डोरी पर रखा थी, यही आपकी स्थितिक ऊर्जा। अब बात करते हैं किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिक ऊर्जा। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा इसकी गुरुत्व स्थितिक ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा होती है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा स्थितिक ऊर्जा को व्यंजक को ज्ञात करता है। इस तरह से बात की जा रही, आप ऊपर उठा रहे हैं भूमि से, ये भूमि हो गई। एक मान एक एम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए,
मान लीजिए इसी धरती से एच ऊंचाई तक उठाया गया। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल भार के बराबर यानी कि mg है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरोध किया गया कार्य डब्ल्यू है, तब किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर बल इंटू विस्थापन mg इंटू एच बराबर mgh। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी या वस्तु की स्थितिक ऊर्जा कहलाएगी। ये आपका स्थितिक ऊर्जा निकालने का सूत्र हो गया। वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिक ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिक ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिक ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर वस्तु ने गति की। चित्र 11.8 में ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहां गुटका ए स्थिति बी तक दो भिन्न पथों से पहुंचाया जाता है। मान लीजिए कि ऊंचाई ए बी बराबर एच है, तो दोनों की स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य एम जी एच है। इस तरह से यहां सीधी रेखा में पहुंचा दिया गया। एक उदाहरण देख लीजिए। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु पर विद्यमान ऊर्जा का परिकलन जी का मान परिकलन करना है। जी का मान है 9.8 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेकंड। वस्तु का द्रव्यमान एम 10 किलोमीटर है, विस्थापन ऊंचाई हो गई 6 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण हो गया ए। इस तरह से आप यहां मान रखिए जो स्थितिक ऊर्जा का सूत्र है, इस तरह से 588 निकल आएगा। ठीक है, इनको आपके ये सूत्र आपको याद रखना है। फिर आपका क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है? क्या हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हम ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते भी हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। 11.13 छोटे समूहों में बैठिए। प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार कीजिए। अपने समूह के निम्न प्रश्नों के बारे में विचार कीजिए। हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती है? कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने हैं? किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? दूसरा क्रियाकलाप 11.14 अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगलों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा जुगलों की एक सूची बना सकते हैं। विधिक क्रियाकलाप या जुगल में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। अब चलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम देखते हैं। क्रियाकलाप 11.13 और 11.14 यह आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों का मतलब। हमने सीखा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा को का क्या होता है? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति एवं सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। यानी कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। एक सरल उदाहरण पर विचार कर मान लीजिए कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु एच ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिक ऊर्जा mgh है तथा गतिज ऊर्जा शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वह वस्तु का वेग भी, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरेगी उसकी स्थितिक ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो एच बराबर जीरो होता है, यानी कि ऊंचाई। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? बी अधिकतम होगा हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिक ऊर्जा न्यूनतम यानी कि जीरो हो जाएगी। तदापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है।
अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अच्छा mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर बचा बराबर। अच्छा यानी कि कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक बाल्टी लीजिए, दो बाल्टी, दोनों में पानी भरा हुआ है, आप दूसरी बाल्टी में डालते जाएंगे तो क्या होगा कि दूसरी बाल्टी का पानी, पानी तो उतना ही रहेगा, 2 लीटर आप ले रहे हैं तो 2 लीटर ही रहेगा, बस ऐसा है कि दूसरी बाल्टी में डाल दिया जाएगा। तो यही होता है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, इसकी इसमें ऊर्जा हानि कुछ नहीं हो रही है, बस रूप दूसरा धारण कर ले रही है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। क्रियाकलाप देख लीजिए, 11.5, 11.15, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में स्थान भर सकते हैं। परिकलन के लिए जी का मान क्या होगा, 10 मीटर प्रति बर्ग सेकंड। या आप इसका मान रखेंगे, जैसे इसका ये जी का मान रख देंगे या, और आपका जो देखिए यानी कि एम का मान ये दिया गया है और ये आपका ऊंचाई दी गई है 4 मीटर, तो इसे आप लोग एम जी एच रख कर निकाल सकते हो और बी का मान निकल आएगा इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं कार्य करने की दर। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती हैं? अभिकर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से काम करते हैं, आइए से निम्न क्रियाकलाप से समझते हैं। दो बच्चे मान लीजिए कि ए बी के बारे में विचार कीजिए, मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रस्ते पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मान लीजिए इस कार्य को करने में ए को 15 सेकंड और बी को 20 सेकंड लेता है, प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य समान है तथा ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया है। किस बच्चे ने एक बच्चे ने दिए हुए समय मान लीजिए 1 सेकंड में अधिक कार्य किया है? एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हम किसी यात्री को कम समय में पूरी दूरी करा सकते हैं। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन का या फिर कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देरी से किया गया है। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो शक्ति का मान शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, इस तरह से आप शक्ति निकाल सकते हैं। शक्ति का मात्रक वाट है, इसका प्रतीक डब्ल्यू है, यह मात्रक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा का रूप उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति एक क्या होगी, शक्ति एक होगी। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वाट बराबर आपका 1 जूल प्रति सेकंड। हम ऊर्जा रूपांतरण की दरों को किलोवाट में भी व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या फिर 1000 जूल जूल प्रति वाट। जूल प्रति सेकंड है यार। किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदलती है, इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य करता है सकता है, इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से
विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख लीजिए, दो लड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक का भार 400 N है, एक रस्सी पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। हम एक लड़की का नाम A रखते हैं, दूसरी का B। इस कार्य को पूरा करने के लिए लड़की A 20 सेकंड का समय लेती है जबकि दूसरी B 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन, तो लड़की A द्वारा व्यय की गई शक्ति, लड़की का भार कितना हो गया 400, विस्थापन h बराबर 8 मीटर, लिया गया समय t बराबर 20 सेकंड। इस तरह से आप यहाँ p यानी कि शक्ति, किया गया कार्य अपॉन लिया गया समय, ये आपका हो गया। इस तरह से आपका सूत्र में पुट करेंगे, लड़की b द्वारा व्यय की गई शक्ति 400 न्यूटन, विस्थापन ऊर्जा ऊंचाई a 8 मीटर, लिया गया समय 50 मीटर, इसे भी व्यक्त करेंगे। इस तरह से निकालेंगे, लड़की एक द्वारा दी गई व्यय की गई शक्ति 160 और लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति 64 है। ठीक है, ये आपका दूसरा उदाहरण है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा, व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है, इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा उपयोग मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सीधा कि आप ये नहीं कहते हैं कि एक, अभी जैसे आपसे पूछा जाए कितने बज गए, तो आप घंटे में बताते हैं कि इतने बज के इतने मिनट हो गए, आप सेकेंडों में नहीं बताते, क्योंकि सेकेंडों में बता पाना मुश्किल होता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि अब आपने कह दिया 120 सेकेंड हो गए, इससे अच्छा है कि 2 मिनट बोल दीजिए। सुविधाजनक के लिए भी स्थिति ठीक रहती है। एक किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य, मान लीजिए कि हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाए तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करती है। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे का उपयोग करने में व्यय करती है, इसका मान 1 किलोवाट आवर में घंटे में 3.6 × 10^6 जूल होगा। घरों में, उद्योग में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रति किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां एक यूनिट का मतलब होता है कि 1 किलोवाट घंटे प्रति घंटे। उदाहरण के लिए 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन, तो विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी होगी 60, यानी कि ये इसे बदल देते हैं आप लोग 0.0 किलोवाट में। ठीक है, उपयोग किया गया समय 6 घंटे, शक्ति इंटू लिया गया समय, इस तरह से 0.36 यूनिट निकाल लेंगे खर्च, ये बिजली खर्च हुई है। इस क्रियाकलाप को पढ़ लीजिए। 11.17, अपने घरों में विद्युत परिपथ लगे विद्युत मीटर को ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लक्षणों की बारीकी से परीक्षण कीजिए, प्रतिदिन प्रातः तथा साय 6:30 मीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को लगभग 1 सप्ताह कीजिए। दिन के समय कितनी यूनिट व्यय होती है, रात के समय यूनिट क्या व्यय होती है, अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए, अपने आंकड़ों को से निष्कर्ष निकालिए, अपने प्रेक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल में किए गए विवरण से कीजिए, किसी विशेष विद्युत उपकरणों द्वारा व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का आकलन भी किया जा सकता है, इसके लिए विभिन्न उपकरणों के ज्ञात वोल्टेज तथा उनके उपयोग के समय को सारणीबद्ध कर किया जा सकता है। छोड़िए इसे, बस पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अगर 7 दिन यही करते बैठे रहे तो मालूम चला कि 2-5 साल इसी में निकल गए। आप सिविल सर्वेंट तो नहीं बन पाए लेकिन वैज्ञानिक जरूर बन गए, पर मालूम चला। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या देखा उसे देख लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल के परिमाण, बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल, 1 जूल = 1 न्यूटन × 1 मीटर। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, 0। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जा सकता है कि उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं,
बी वेग से गतिशील किसी एम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2mv² होगा। ये आपका गतिज ऊर्जा को निकालने का सूत्र है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा mgh होगा। ठीक है, ये आपका सूत्र स्थितिक ऊर्जा निकालने का हो गया। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जल ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है ना ही विनाश किया जाता है। रूपांतरण के पहले बार रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। कहने का सीधा सा मतलब है, आपने कई बार सुना होगा कि जल अगर धरती पर 1 लीटर आज से 50 साल पहले था तो 1 लीटर अभी भी है। कहने का मतलब मेरा, समझ रहे हैं, इसका कोई बड़ा घटा नहीं है, बस इतना फर्क पड़ा है कि समुद्रों में कुछ ज्यादा पहुंच गया है। प्रदूषण के कारण आपने देखा है कि धरती में इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो रोक के रख सके, क्योंकि आपने पेट काट दिए हैं, आपने पक्की सड़कें बना दी गई हैं, VIP सुविधा कर दी गई है, तो धरती में जो सोखने की जल क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये बहकर कहाँ चला जाएगा, समुद्रों में। तो बस शिफ्ट हो रहा है, पानी उतना कल ही था आज भी है, एक रूप से दूसरे जगह जाके बह रहा है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गति तथा स्थितिक ऊर्जा के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी आप देख सकते हैं और PDF डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास टेलीग्राम से, और अगर टाइम मिलता है तो उससे 1-2 बार पढ़ लीजिए। अच्छे से दिमाग से 1-2 बार पढ़िए और निकल जाइए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने वाली की जरूरत भी पड़ेगी। चलिए, तो ये 11वां चैप्टर आपका होता है। 12वें चैप्टर में हम लोग मिलते हैं ध्वनि, ध्वनि के बारे में बात करेंगे 12वें चैप्टर में।